चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल चल रहा था, उसमें एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिस पर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब डेफिनेटली ऑक्सीडेशन के लिए अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पर यूज होते हैं, मैं पहले सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको बता देता हूँ। एक जो यूज होता है PCC यूज होता है, पाइरिडिनियम, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट, पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो है क्या करते हैं, अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, PDC एंड PCC। ओके, पाइरिडिनियम का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, दिस इज पाइरिडिनियम। ओके, क्रोमेट होता है CrO4। पैरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इधर ओ बना देता हूं मैं, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, एक रफ स्ट्रक्चर बता रहा हूं, पैरिडिनियम डायक्रोमेट, इसमें दो क्रोमेट आ जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको नहीं आता है इसलिए अब डायरेक्ट हम आते हैं कहां पर, रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन वेरी सिंपल, इसमें आपको याद रखना है, अगर आपने अल्कोहल लिया प्राइमरी वाला, प्राइमरी अल्कोहल CrCH2OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ आपने लिया है PCC या PDC, दोनों ऑप्शन में है, PDC लिया या PCC लिया, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ओनली यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा। जब यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो क्या बचेगा, RCHO। RCHO क्या होता है, एल्डिहाइड। तो PCC और PDC क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक हाइड्रोजन OH के पास से जाएगा और एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे से जाएगा, यानी बाजू वाले कार्बन के पास से, वेरी सिंपल। ठीक है, दूसरा, अगर आप लेते हैं कोई सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब जिसको दो R लगे हुए हैं, मतलब दो कार्बन लगे हुए, इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, मतलब OH सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट है, और सेकेंडरी कार्बन कौन होता है, जिसको डायरेक्टली दो कार्बन कनेक्ट होते हैं उसको सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, हम पहले देख चुके हैं। सेम इसका भी रिएक्शन किया आपने, PDC PCC डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ था एग्जाम में, यहां से एक H जाएगा, यहां से एक H जाएगा, तो बचेगा क्या, RCOR, बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड, तो क्या बना, कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है ऑक्सीडेशन करने पर। चलिए मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, पहले मैं प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल लिखता हूँ, CH3CH2OH, CH3CH2OH, दो कार्बन वाला अल्कोहल, अल्कोहल की पहचान OH, अल्कोहल की पहचान OH, दो कार्बन वाला अल्कोहल, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल आपने लिया PCC या PDC, यहां से H, यहां से H लॉस, क्या बनाएगा बोलो, CH3CHO, यानी कौन, एसिटाल्डिहाइड। दो कार्बन वाले एसिड का नाम एसिटिक एसिड होता है, तो दो कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड। जैसे दो कार्बन वाला एसिड एसिटिक एसिड होता है, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। IUPAC नेम, दो कार्बन वाले अल्कोहल का IUPAC नेम क्या बनता है, इथेनॉल। और दो कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम क्या होता है, इथेनल। इसमें AL लगता है, एल्डिहाइड की पहचान AL, अल्कोहल की पहचान OL, एल्डिहाइड मतलब CHO, अल्कोहल मतलब OH। तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, PCC PDC लिया तो।
चाहे कितने ही कार्बन वाला लो, आप प्राइमरी चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल है तो बनेगा एल्डिहाइड। तीन कार्बन वाला, चार कार्बन वाला, सब देंगे क्या इधर एल्डिहाइड, क्या देंगे एल्डिहाइड। एग्जाम्पल नंबर टू देखो, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं CH3, CH, CH3OH, ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कौन है ये? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसका नाम है आइसो ब्रांच के लिए, प्रोपाइल मतलब तीन कार्बन, अल्कोहल OH है इसलिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम देना रहा तो नंबरिंग देना पड़ता है 1, 2, 3, 2 पर OH, इसलिए क्या बोलेंगे आप इसको? तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, जैसे दो कार्बन को बोलते हैं ईथेन, इसको बोलते हैं प्रोपेन। टू नंबर पर अल्कोहल इसलिए टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल IUPAC नेम है और ये कॉमन नेम है। अब नए लोग पुराना वापस जाने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, तो अब आपने लर्न करते जाने का न्यू नेम्स, ओके? जो जो न्यू स्टूडेंट्स है डायरेक्ट लर्न करना है, ओके? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेम आपने लिया PCC PDC लिखा हुआ आएगा या PCC आएगा। अब ये सेकेंडरी कार्बन है, मतलब दो कार्बन डायरेक्टली जिसको कनेक्ट होते हैं उसको सेकेंडरी बोलते हैं, इसलिए अल्कोहल कौन है इसको आप आइसो भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। यहां से एच जाएगा, यहां से एच जाएगा, क्या बचेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 डाइमिथाइल कीटोन, मिथाइल मिथाइल डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। कीटोन पहचान है CO की, CHO aldehyde, CO कीटोन। और इसका एक स्पेशल नेम है एसीटोन, याद है आपको? एसीटोन स्पेशल नेम है और IUPAC नेम तीन कार्बन प्रोपेन और लगेगा ONE। जैसे एल्डिहाइड को AL लगता है, कीटोन को क्या लगता है? ONE, तीन कार्बन इसलिए प्रोपेन और कीटोन है इसलिए ONE, तो क्या बन गया? प्रोपेनोन। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। तो ये PCC PDC। अब इसके अलावा कुछ स्ट्रॉन्ग एजेंट्स भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एजेंट्स को मैं यहाँ डायरेक्ट बताऊंगा आपको, और डी ब्लॉक एक चैप्टर है उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे ये कैसे बनते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी डायरेक्ट आपको एजेंट याद रखना है, जैसे एक फेमस रिएजेंट है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट विद H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलकर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। इधर बोर्ड पे देखने का, उनको क्या देखने का बोलो, कुछ बोलना उनको, देखो अच्छा धक्का बुक्का, इधर देखो यहाँ पर देखो K2Cr2O7 और ये H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसिड डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं इसको? एसिड डाइक्रोमेट। ये स्ट्रॉन्ग एजेंट है, ओके। वैसे ही होता है KMnO4 प्लस H2SO4, ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, कौन ही है? पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, KMnO4 फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये K2Cr2O7 से भी स्ट्रॉन्ग है, क्यों कैसे कब वो सब पढ़ेंगे अपन बाद में DNF में, ठीक है? तो KMnO4 और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको बोलते हैं एसिड पर मैग्नेट, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? एसिड पर मैग्नेट, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा CrO3 क्रोमिक एसिड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्रोमिक एसिड, समझा आपको? ठीक है, वैसे ही CrO3 विद H2SO4 ऑल्सो यूज्ड एज जोन्स रिएजेंट, क्या बोलते हैं इसको? नहीं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी नहीं, इसको छोड़ दो अभी, थोड़ा आगे चलकर, इतना अभी धीरे धीरे, ठीक है? चलिए, तो ये है क्रोमिक एसिड, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं?
ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को एसिड तक ले आकर छोड़कर आते हैं। चलो 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 आगे आगे आगे, मतलब रिएक्शन स्टॉप नहीं होती। पहला वाला जो लिया अपन ने पीडीसी पीसीसी, वो एल्डिहाइड कीटोन पे स्टॉप कर देता है, ये वाले एजेंट स्टॉप नहीं करते, ये आगे तक लेके जाते। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे पिछला वाला जो एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूँ, लेकिन नंबर थ्री नाम दिया उसको मैंने, लिया है यहाँ पर इथाइल अल्कोहल। क्या लिया मैंने यहाँ पर, इथाइल अल्कोहल। इसमें हमने ऐड किया K2Cr2O7 एंड H2SO4। इनका काम है नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब फ्री ऑक्सीजन। कैसे देते हैं ये मैं आपको डीएफ में बताऊंगा, ठीक है। ये नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देगा, क्या बन जाएगा H2O। मैं यहाँ लिख दूँ -H2O, चलेगा ना। अब ये एच चला गया, ये एच चला गया, क्या बचा यहाँ पर बोलो, CH3CHO। इथाइल अल्कोहल से क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल से क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। अरे अभी देखा ना क्या बना, एसिटल्डिहाइड। फिर बाद में अगेन K2, अच्छा K2Cr2O7 कभी कभी कैसा लिखा हुआ था मालूम आपको, Cr2O7 और उस पर 2-, ये K2Cr2O7 है, दोनों के नहीं लिखा उसका, इसलिए ऊपर 2- चार्ज लिखा, समझा। ये 2 के 2+ होते हैं, 1 के पर 1+ होता है, तो 2 के पर 2+, अगर 2+ हटा दिए तो 2- आएंगे ना, यहां पर वापस से 2+ लाए तो 2-2+ न्यूट्रल, समझा आपको। कभी कभार K2Cr2O7 ऐसे लिखा हुआ आता है और पूरे H2SO4 को सिर्फ ऐसे लिखते हैं H+, समझ जाने का H2SO4 है, समझा। सेम एक्शन, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, यहां पर भी नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन इनसे आया है, ये इसमें आकर ऐड हो जाएगा। पहले वाले ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को रिमूव किया, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल मतलब समझ जाओ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल मतलब, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, समझा आपको। और ऑक्सीजन के एडिशन को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, हाइड्रोजन का निकालना या ऑक्सीजन का ऐड करना, दोनों का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल मतलब, बट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है, पहले से एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया आपने, बोलो क्या बन जाएगा, CH3COOH एसिटिक एसिड, अपना एसिटिक एसिड। अरे पहचाना क्या, 2 कार्बन वाला एसिड एसिटिक एसिड। अगेन IUPAC नेम बड़ा आसान है, 2 कार्बन के लिए इथ अभी तक देख रहे थे ना, हाँ उसको क्या लगा देने का, इथेनोइक एसिड, ये IUPAC नेम ब्रैकेट में लिख रहा मैं, सामछा क्या सामछा, नो प्रॉब्लम। चलो जरा ध्यान से देखो, अब सेकेंडरी ले रहे हैं हम, सेकेंडरी फोर्थ एग्जाम्पल सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, CH3CHOHCH3। अभी देखा हमने क्या नाम है इसका, सेकेंडरी या आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम 1, 2, 3, 2 पर है ना, प्रोपेन टू ऑल। मैं इतने बार लिखता हूं नेम, नया बच्चा भी है तो उसको लर्न हो जाना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पढ़ाते टाइम मैं देखो नीचे जब बातें करते हैं ना बच्चे, वो स्टडी रूम में बैठते हैं ऐसा फ्रेश, ऐसा तालियां मार मार के एकदम, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में अजीब दिखता है लेकिन बताना जरूरी भी है अभी, ऐसा एकदम फ्रेश होकर, हाँ चल रहा है, वहाँ गया था कि तू, बहुत मजा आया, तूने भी आना था ना वहाँ पर, मैं बातें सुनते थोड़े थोड़े बच्चों के, इतने एक्टिव रहते एकदम स्टडी रूम में जहाँ पढ़ाई करना है आप, और यहाँ क्लास में जैसा अभी इसको एक बॉटल सलाइन की जरूरत है ऐसा बैठते क्लास में।
गर्मी वहां नहीं होती, आपको बात अगर ऊपर नहीं होती, टेरिस पे गर्मी नहीं होती, कहीं गर्मी नहीं होती बच्चों, पढ़ाई बोले तो सुस्ती आती। तो इट इज द मैटर ऑफ इंटरेस्ट, बताया था ना मैंने आपको, इंटरेस्ट जब जिस चीज से होता है ना बराबर ध्यान रहता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ये सेकेंडरी अल्कोहल देखो इसको, ठीक है चलो K2Cr2SO7 H2SO4। अच्छा जहां जहां मैंने K2Cr2SO7 और H2SO4 लिया आप वहां KMnO4 भी ले सकते हैं, याद रहेगा ना? अरे याद रहेगा क्या? क्या गर्मी छोड़ गया? अरे याद रहेगा ना? ठीक है हाँ चलो, ये देखा नेसेंट ऑक्सीजन, इसका काम है यहां से एक हाइड्रोजन निकालने का, यहां से एक हाइड्रोजन माइनस H2O चला गया। अरे गया क्या? अरे बोलना, क्या हल्की सी आवाज है। हाँ बराबर है, ये आज गया, ये आज गया, बोलो क्या बनाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। एसीटोन बन गया, एसीटोन यानी डायमिथाइल कीटोन यानी प्रोपेनोन, अभी बताया ना तीनों नाम इसके। हाँ इधर देखो, ये ऊपर देखना, यहाँ पर वो दुल्हन बैठती है ऐसे नीचे से सर रखती है। अब आप लोग जाते दावतों में तो देखे होंगे ना आपने, दुल्हन ऐसी बैठे रहती बेचारी, गर्दन पूरी ऐसी हो जाती उसकी एकदम, बाद में पता चलता मोबाइल लेकर बैठी हुई होनी चाहिए। आजकल दूल्हा दुल्हन भी मोबाइल लेकर बैठ रहे हो ना, बेचारों को 3-4 घंटे बैठना पड़ता, बोर हो जाते ना, बराबर है कि नहीं है? हाँ नहीं ऐसा किसी ने सुनाया मेरे को, आप बोलेंगे आप शर्त को कैसे मालूम, मैं तो नहीं जाता लेडीज में। हाँ नहीं लेकिन बता देते ना दूसरे रिश्तेदार ये वो सब, भतीजा भांजिया, बराबर है कि नहीं है? खैर जाने दो। तो ऊपर देखो दुल्हन बैठती है इधर ऊपर, यहाँ पर सब लोग ठीक है। हाँ चलो, हाँ रौनक को आएंगी रिएक्शन आ जाएंगी समझ में, इधर देखो ठीक है। एसीटोन डायमिथाइल, डायमिथाइल एसीटोन, अरे कीटोन किधर है, सबको एक एक स्लाइन होना ठीक है। हाँ चलो, अब अगर आपने यहाँ K2Cr2O7 लिया तो अब इसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है, बिकॉज यहाँ CC बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं है। आपको पता है CC बॉन्ड की जो किलो कैलोरी में एनर्जी 83 किलो कैलोरी होती है, तो ये आसानी से ब्रेक नहीं होता है, स्टेबल बॉन्ड है CC बॉन्ड। अब बोले यहाँ कैसे हुआ, तो यहाँ CH बॉन्ड ब्रेक करना था ना, H को हटाया ऑक्सीजन ऐड किया बाद में H लग गया, तो ये CH ब्रेक करना था, इजी था, CC आसानी से ब्रेक नहीं होता है। तो अगर आपकी जिद है कि आपको K2Cr2O7 से ही इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस हाई टेम्परेचर, ये डेल्टा मतलब हीटिंग करना पड़ेगा आपको। या दूसरा ऑप्शन ये है कि एक स्ट्रॉन्ग एजेंट ला लो, यानी KMnO4 जो अभी देखा ना अपन ने, तो अगर आप ऑप्शन में लेते हैं KMnO4, तो ये एक अच्छा रिएजेंट है जो कीटोन को ब्रेक कर सकता है KMnO4 विद H2SO4, इसको बोलते हैं एसिडिक KMnO4। इसका काम है यहां से CC को ब्रेक करना, इसके पास नेसेंट ऑक्सीजन बहुत सारे होते हैं, यहां पर अपन 4 यूज करेंगे। आप बोलेंगे हम कैसे याद रखना, धीरे धीरे आप रिएक्शन लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो याद हो जाएगा ना। अरे जागो, ऐसे बैठ रहे आप लोग, थोड़ा अलर्ट बैठने का, अरे नींद में, सब नींद में, इतना अच्छे से मैं बता रहा हूं, जागो 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 ठीक है, सही में सो रहे थे बच्चे। हाँ तो ये आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी ध्यान दिया तो, ठीक है। CC बॉन्ड ब्रेक किया, CC बॉन्ड ब्रेक किया, यहां से एक ऑक्सीजन, यहां एक ऑक्सीजन, यहां इससे एक हाइड्रोजन उधार ले लो, क्या बन जाएगा? CH3COOH एसिटिक एसिड, बन गया एसिडिक एसिड, ऊपर भी बना था एसिडिक एसिड, यहां भी बना, लेकिन यहां फर्क क्या है, CC ब्रेक हो रहा मतलब एक कार्बन कम होने वाला है, समझा? एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम। अब एक हाइड्रोजन गया यहां से, बचा CH2, दो ऑक्सीजन और एक कार्बन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बचे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O,
मतलब यहाँ भी मिला एसिडिक एसिड, इथेनॉल ने भी दिया एसिडिक एसिड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ने भी दिया एसिडिक एसिड। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, क्योंकि कीटोन में सीसी ब्रेक होता है, सीसी ब्रेक होकर एक कार्बन कम हो जाता है, समझा? थोड़ा ध्यान से इसलिए बोल रहा हूं मैं, देखो आपको, ठीक है? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एजेंट लाना पड़ेगा तो सीसी बॉन्ड ब्रेक होता है और कीटोन भी एसिड बन सकता है, लेकिन कीटोन आसानी से नहीं बनता है, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। ठीक है, चलो, प्राइमरी लिया, सेकेंडरी लिया, अब टर्शियरी, फिफ्थ एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो। ओके, फिफ्थ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फाइव, हम लेने वाले हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या लेने वाले हैं? टर्शियरी मतलब ऐसा कार्बन जिसको डायरेक्टली तीन कार्बन लगे हैं, उसको टर्शियरी कहते हैं। जो कार्बन को डायरेक्टली तीन कार्बन लगे उसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी। जो कार्बन को डायरेक्टली तीन कार्बन लगे हैं उसको क्या कहते हैं? टर्शियरी। उसको लगा अल्कोहल, इसलिए अल्कोहल का नाम बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं? चार कार्बन है, ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि टर्शियरी का ऑक्सीडेशन नहीं होता, टर्शियरी का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो देखो, अल्फा पे हाइड्रोजन है, अल्फा पे हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा रहता है उसको अल्फा बोलते हैं। अल्फा पे हाइड्रोजन है, हाँ? अरे है ना, नहीं कौन बोला वो? अल्फा पे हाइड्रोजन है, कहा है? नहीं है ना, इधर और देखो, इधर जरा देख कर बोलो, दुल्हन सब लोग इधर देखो, यहाँ है क्या हाइड्रोजन? नहीं है, अल्फा पर हाइड्रोजन। तो टर्शियरी में अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए टर्शियरी का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नहीं होगा, नहीं होगा, टर्शियरी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब सब लोग पीछे जय हो मत बोलो, ठीक है? हाँ, चलो। तो किसी ने आपसे पूछ लिया, भाई साहब टर्शियरी का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता? हाँ, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप लोग भाई साहब है क्या? अभी भाई साहब तो पूछ रहे थे। हाँ, चलो, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसका डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? मतलब K2Cr27 यहां पर आप लिखो या ना लिखो कोई फायदा नहीं है। यहां मेन काम कौन करने वाला है? H2SO4, अपना H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पिछले रिएक्शन में देखे ना अपन ने, अरे डिहाइड्रेशन करता है ना H2SO4, इसलिए अल्फा पे से जाएगा OH और बीटा पे से जाएगा H। अल्फा से जो कनेक्ट होता है वो होता है बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, तीनों बीटा सेम है, तो कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं आप। इधर से OH जाएगा, इधर से H जाएगा। हाँ, लेकिन अगर तीनों सेम नहीं होते तो हाइड्रोजन कहां से जाता? जहां हाइड्रोजन लेस है, कौन सा रूल? Fetch-Zeff रूल, याद है ना आपको? अभी यहां तीनों सेम है, इसलिए कहीं से भी निकालो, यहां से निकालेंगे अपन OH और H चला गया, माइनस H2O, बोलो क्या बचा? CH3CH2। यहां से OH गया, यहां से H गया, बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड, अल्कीन बन गया। डबल बॉन्ड बोले तो कौन? अल्कीन। डबल बॉन्ड मतलब कौन? अल्कीन। डबल बॉन्ड मतलब कौन? अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता तो हम इसको आइसोब्यूटेन बोलते थे, ब्रांच वाला चार कार्बन रहता तो आइसोब्यूटेन, लेकिन डबल बॉन्ड है इसलिए क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटिलीन। क्या नाम है इसका? आइसोब्यूटिलीन। और आईपीएसी नेम देना रहा तो 1 2 3, 2 पे मिथाइल और प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 पे मिथाइल और 3 कार्बन वाला अल्कीन प्रोपीन, समझा? एग्जाम में कोई भी नेम से आ सकता है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल और 3 कार्बन वाला प्रोपीन बन गया। अब फिर लाएंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर हम यूज करेंगे अब KMnO4। ये रिएक्शन हमने कहां पढ़ा था, कुछ याद आया आपको? नहीं आया होगा,
हमने एल्कीन चैप्टर में पढ़े थे, आपको याद है? CH3CH डबल बॉन्ड CHCH3 KMNO4 H2SO4 याद आया कुछ? ये इसको ब्रेक कर देता है, चार नेसेंट ऑक्सीजन आते हैं, याद है क्या? किसने दिया? दोनों ने मिलकर चार ऑक्सीजन दिए, बहुत आसान है, जहां डबल बॉन्ड दिखा ब्रेक करने का, इसको देने का दो ऑक्सीजन, इसको देने का दो ऑक्सीजन, चार में से दो इधर क्या बनेगा? CH3COOH, CH3COH, मतलब 2 मोल्स ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड, याद आया क्या? चलो अब इतनी दूर आ गए तो एक्वस केमेनोफोर से भी मुलाकात कर लेते, फिर बार बार कहाँ आना होता इतनी दूर, याद है क्या आपको? अगर आपने लिया KMNO4 with water, या लिखा हो रहेगा aqueous, aqueous मतलब H2O, water, acidic लिया तो acid बनता है, याद है क्या? aqueous लिया तो क्या बना था? अरे पिच आवाजा कर रहे थे, ये कैसे याद रहता? ये याद नहीं रहता, हाँ अरे बोलो, aqueous लिया तो क्या बनता है? हाँ diol बना था, diol, इसमें क्या होता है? H2O, यहां से एक O लेकर ये भी बन जाएगा OH, ये भी बन जाएगा OH, दो OH यहां आकर ऐड हो जाते, याद आया क्या? CH3 भूल गए आप, कैसे देंगे रिवीजन टेस्ट रिएक्शंस, भूल जा रहे हैं। ये डायोल बनाता है, एक OH इधर, एक OH इधर, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। अगर आपने एसिडिक केमेनोफोर लिया तो डबल बॉन्ड पूरा ब्रेक होकर एसिड बनता है, लेकिन अगर एक्वियस लिया तो डायोल बनता है, डायोल मतलब दो अल्कोहल, ऑल एक अल्कोहल, डायोल दो अल्कोहल, समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अब इतनी दूर आ गए तो एक एग्जांपल थोड़ा और ले लेंगे, क्योंकि अपने को वहां पर वापस आना है। वहां पर मैंने ये एग्जाम्पल पढ़ाया था आपको, CH3 डबल बॉन्ड CH2, देखो वही है ना, सिर्फ डबल बॉन्ड इधर है, हमने इधर लिखा KMNO4 H2SO4। तो अभी मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, KMNO4 ब्रेक करके क्या बना देता है? एसिड, क्या बनते हैं? एसिड। अरे भैया ये जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं ना, उनको भी जल्दी समझ में नहीं आता, और तुमको अक्ल नहीं है, तुम ध्यान नहीं दे रहे, जरा शर्म करो, तुम्हारे वालिद कितनी मेहनत करते हैं, जरा इंसान को इतनी गैरत तो रहना कि भाई चलो एक बार सर ने डांटा, दो बार डांटा, अभी थोड़ा मैं वालिद के पैसे का ख्याल करता हूँ, थोड़ा ध्यान दूंगा, पढ़ाई करूँगा, शर्म नहीं आती? हाँ इधर देखो, हाँ यहाँ पर देखो, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और एसिड बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया था टर्चरी अगर आया तो वहां एसिड नहीं बन सकता है, क्योंकि टर्चरी में ऑलरेडी कार्बन के पास, अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक भी हुआ तो उसके बाद ऑलरेडी दो कार्बन है, और दो कार्बन रहने के बाद दो ऑक्सीजन नहीं आ सकते, एक ऑक्सीजन की कैपेसिटी है डबल बॉन्ड ओ, समझा? इसलिए यहां पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन आएगा, CH3 डबल बॉन्ड ओ, यानी कीटोन बनेगा, और ये वाला दो ऑक्सीजन लेकर कार्बन क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेके क्या बन जाएगा? H2O, 1+2+1, मतलब यहां पर टोटल कितने नेसेंट ऑक्सीजन आए? 4, समझा गया? तो यहां पर भी वही होगा ना, ये ब्रेक होगा डबल बॉन्ड, चार ऑक्सीजन आएंगे, एक ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा तो कीटोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 C double bond O CH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, समझा गया? अरे समझा, अब कीटोन बन गया, इसको ऑक्सीडेशन तो इजी है ना, पिछले उसमें देखा अपन ने, इसको ऑक्सीडेशन कर दो क्या हुआ? एक कार्बन और कम, एसिडिक एसिड बनेगा। अरे ये वाला ये कीटोन से एसिड, बराबर है ना, इससे बना सकते ना अपन, ये कीटोन को भी एसिड बना सकते ना, अरे बोलो ना, समझा? चलो
और आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर, घर पे जाने के बाद अच्छे से पूरे लिखो आप, तो याद रहेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। और ऑक्सीडेशन पर एक क्वेश्चन आता ही है, नीट लो, सीटी लो, जेडब्ल्यू लो, एक क्वेश्चन आता ही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आता ही है। लेकिन कौन से ऑक्सीडेशन पे आएगा, जिसकी प्रैक्टिस सारे एग्जाम्पल ध्यान में रहेंगे समझ में आ जाएगा। ओके, अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं यहां पर एप्लीकेशन टाइप में नंबर 6, आपको ऐसे दे दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, सर ने ये एग्जाम्पल तो नहीं पढ़ाया, अब इसको कैसे करने का। तो बेसिक लॉजिक लगाने का वही जो हमने पहले पढ़ा है, ये अल्कोहल है, इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल हुआ तो क्या हुआ, लेकिन नेचर तो प्राइमरी है ना, ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो नेचर तो प्राइमरी है। जब नेचर प्राइमरी है तो प्राइमरी का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनता है, कभी डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ था ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ हो सकता है पीसी से लिखा है, पीडी से लिखा है, या K2Cr2 आएगा, या KMnO4 लिखा हुआ आएगा, समझा आपको, कोई भी आने दो, ऑक्सीडेशन तो वही होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बनेगा, CHO, बेंजाल्डिहाइड, क्या बना है, बेंजाल्डिहाइड। फिर इसको ऑक्सीडेशन किया तो क्या यहां पीसीसी ले सकते हैं, हाँ यहां पीसीसी पीटीसी ले सकते हैं क्या, कौन बोल रहा है, यस, अरे तुम लोग ध्यान नहीं देते, यही प्रॉब्लम है, वॉइस बोलो, यहां पीसीसी पीटीसी ले सकते हैं क्या, क्यों नो, क्यों, अरे पीसीसी पीडीसी सिर्फ अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन बनाता, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, वो माइल्ड है, स्ट्रांग नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए स्ट्रांग एजेंट चाहिए, समझा, अरे समझा क्या, तो इसलिए यहाँ पीडीसी पीसीसी नहीं ले सकते आप, याद रखो यहाँ आपको लेना पड़ेगा K2Cr2 या KMnO4, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा, COOH, बेंजोइक एसिड, बेंजीन को लगा है एसिड तो कहते हैं बेंजोइक एसिड। बस पहले जो एग्जाम्पल पढ़ाया वो CET है, इसको बोलते हैं नीट, मतलब एग्जाम्पल चेंज होता है, रिएक्शन का कंसेप्ट वही रहता है। अब वो किसको आता है, जो घर घर पर MCQ सॉल्व करता है, इसको नए नए एग्जाम्पल मिलते हैं, नए नए एग्जाम्पल मिलते हैं, तो JEE और नीट का तैयारी होता है, और आप लोग MCQ सॉल्व नहीं करते, तो ये ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे, अल्कोहल्स खत्म होगा, एल्डिहाइड कीटोन आएगा, अमाइंस आएगा, तो एप्लीकेशन का टाइप बढ़ते जाता है, कंसेप्ट वही रहेगा बेसिक जो मैंने पढ़ाया है, लेकिन एग्जांपल नया आते बच्चे परेशान हो जाते, इसको कैसे सॉल्व करना, तो जाने का जो पढ़ाया मैंने उसको ध्यान, इसलिए बोलते घर जाकर रिवाइज करो, रिविजन करो आप, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस में दूंगा, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं।